वन एंड ओनली पीस गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनआर क्रिएशन में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपने जैसा कि प्रीव्यू तो देखा ही होगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, या मैं अभी प्रीव्यू में डाल देता हूँ, ये प्रीव्यू देखने का आपको समझ नहीं आएगा कि ये वीडियो एडिट कहाँ से किया और कौन से एप्लीकेशन में। दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो आप जिस एप्लीकेशन से एडिट करते हैं अपना हर वीडियो उसी एप्लीकेशन से एडिट करना, कुछ नहीं करना आपको, बस सिंपली मेरे वीडियोज़ को देखना और मैंने जो स्टेप्स बताए उसको फॉलो करना बिना स्किप के। दोस्तों अगर आप स्किप करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे, बाद में कमेंट में क्वेश्चन करोगे कि कैसे करना कैसे करना, कुछ नहीं करना आपको, बिना स्किप के वीडियो देखना और वन स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियोस को फॉलो करना और आपका वीडियो 100% एडिट कर लोगे। उसके बाद भी अगर एडिट नहीं होता तो मेरे को भेजना, मैं आपकी वीडियो एडिट करके दे दूंगा। तो चलो दोस्तों सिंपली सबसे पहले कहते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर ध्यान देते हैं। दोस्तों ये हमारे मोबाइल स्क्रीन पे आ गया। आप सबसे पहले करना क्या, आपको कोई भी VPN डाउनलोड करके उसको कनेक्ट करना, देन उसके बाद ही आपको कैपकट एप्लीकेशन यूज करना। कैपकट एप्लीकेशन यूज करने के बाद दोस्तों आपको ऐसा इंटरफेस खुलेगा, देन यहाँ से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और आपने जो फोटो आपको एडिट करनी है वो फोटो को सिलेक्ट करनी है। मैं सब ये फोटो एडिट करने वाला हूँ तो मैं वो फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन मुझे ये फोटो के बारे में, मतलब ये फोटो को एडिट करना है तो मैं ये फोटो सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से आपको एंडिंग को डिलीट कर देना है, देन यहाँ पर क्लिक करके आपको फोटो की लेंथ जो ऑलमोस्ट 6 to 8 seconds कर लेनी है, मैं यहाँ से 8 seconds रखता हूँ। देन आपको यहाँ से 4 seconds पे है, यहाँ से स्पिल कर देना फोटो को। स्पिल करने के बाद इसको जाना है, देन यहाँ पे फिल्टर वाले ऑप्शन पे जाना है। दोस्तों फिल्टर करने का आपको एडजस्ट पे जाना है, इसके सेचुरेशन को प्लस कर, उसमें आपको ब्लैक एंड वाइट ढूंढना नहीं है, यहाँ से सिंपली मैं बता देता हूँ, आपको सेचुरेशन को 0 कर देना है और देन ये कॉन्ट्रास्ट को फुल कर देना है। ब्राइटनेस को आप चाहें तो थोड़ी डिक्रीज कर दें, देन मैं यहाँ से डिक्रीज कर देता हूँ। देन उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ से कलर प्लेट लेके आनी है। कलर प्लेट कहाँ से डाउनलोड करना है, आपको गूगल पे सर्च करके कलर प्लेट डाउनलोड कर लेनी है। तो देन मैं यहाँ से ओवरले पे क्लिक करना और सातों कलर प्लेट को डाउनलोड कर ला। दोस्तों मैं कर लेता हूँ डाउनलोड, आपको इसको लाइन बाई लाइन स्टेप बाई स्टेप मतलब सेट कर लेना है। देन दोस्तों आपको पाँचों को एडजस्ट करना है, फिर इसके वन बाई वन जो फर्स्ट पे आता है, जैसे फर्स्ट पे कौन सा कलर आ रहा है हमारा ये वाला कलर, देन इसको सबसे ज़्यादा तक रखना है। देन सेकेंड पे हमारा कौन सा कलर आ रहा है ये वाला कलर, सेकेंड को थोड़ा कम कर देना है। थर्ड मतलब उसकी जो ड्यूरेशन है उसको कम कर देनी है। थर्ड पे ब्लैक वाली कलर आ रही है उसको थोड़ा उससे सेकेंड वाले से कम कर देना है। देन फोर्थ नंबर पे जो कलर प्लेट आ रही है उसको थर्ड वाले से कम कर देना है। देन लास्ट वाले पे आ रही है उसको सबसे कम कर देना है। देन दोस्तों इस तरह से आपको सबको एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों इसकी साइज़ को कर देना है, यहाँ तक हमको इसके साइज़ को फुल कर देना है जहाँ तक हमने फोटो को स्प्लिट किया है। फोटो को थोड़ा मोर लेंथी कर देते हैं, थोड़ा और उसकी साइज़ को बढ़ा देते हैं, यहाँ तक कर देते हैं। इतना होने के बाद दोस्तों आपको जहाँ से सब स्टॉप होता है, जैसे यहाँ पे स्टॉप हुआ, यहाँ पे आपको सबसे पहले की फ्रेम कर देना है, यहाँ से प्लस करके सबको की फ्रेम कर देना है। मैं यहाँ से की फ्रेम कर देता हूँ सबको। की फ्रेम करने के बाद दोस्तों आपको फिर लास्ट तक चले जाना है, अपने लास्ट पे जाना है, लास्ट से थोड़ा सा आगे दोस्तों, यहाँ से आपको फिर से की फ्रेम करना है, सब में की फ्रेम कर देना है। ध्यान रखना दोस्तों ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए। की फ्रेम करने के बाद आपको फिर से प्लस वाले पे क्लिक करना है, देन प्लस फर्स्ट वाला कलर आपका किस जगह पे जा रहा है वहाँ पे ले जाके आपको इसको 0 कर देना है। हाँ इतना कर देना है दोस्तों, ये देखो हमारा आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। देन यहाँ से आपको फिर से जहाँ से भी आपने की फ्रेम किया था वहीं तक ले करना है, यहाँ से आपको प्लस वाला क्लिक करना है। इतना हो जाने के बाद दोस्तों आपको फर्स्ट जो कलर है उस पर क्लिक करना है,
फिर एनिमेशन पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको सबसे पहले आउट एनिमेशन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। आउट एनिमेशन में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको मिलेगा जूम आउट, जूम आउट को करना फुल कर देना है, सब में ऐसे सेम कर देना है, जूम आउट को फुल कर देना है। देन दोस्तों यहाँ तक हो गया, आपको ये प्लस वाला आइकन क्लिक करना है। यहाँ से आपको फर्स्ट ऑप्शन पे दिख रहा है मिक्स ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है और देन इसका आपको थोड़ा 51 सेकेंड तक कर देना है। ये 1 सेकेंड होने के बाद आपको जो फुल फ्रेम है, आप चाहे तो अपने फुल फ्रेम को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। चलो मैं कर देता हूँ, आपको इस पर जाना है, प्लस आइकन पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ से थोड़ा इसको बड़ा कर लेना है। फिर यहाँ से आपको क्लिक करना, देन इसको आपको फुल एडजस्ट कर लेना अपने फोटो पे फुल पे। अब इस पे चाहे तो अपना मनपसंद सॉन्ग लगा के देखो दोस्तों, हमारा वीडियो रेडी हो गया। आप इस तरह से कुछ बना सकते हैं वीडियो को। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ताकि मैं जल्दी से आगे ग्रो कर सकूँ और आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे यूजफुल वीडियोस ला सकूँ। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू।